हनुमानताल तालाब को स्वच्छ बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय जनता के साथ मिलकर तालाब की सफाई की गई और लोगों को तालाब में विसर्जन सामग्री विसर्जित नहीं करने के प्रति जागरूक भी किया गया। हनुमानताल तालाब की सफाई के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा, मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनवी प्रजापति, उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक विनय सक्सेना, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने तालाब की सफाई की। अरे, लाओ, लाओ। यही भर तो कर रहे हैं यार, बाकी और कोई नहीं कर रहा। कार सेवकों ने बताया कि तालाब में विसर्जन सामग्री और पानी को दूषित करने वाली अन्य सामग्री का अंबार लगा था, जिसे साफ किया जा रहा है और इसमें क्षेत्रीय जनता को भी सहभागी बनने की अपील की जा रही है, ताकि तालाबों के संरक्षण के प्रति उनमें जागरूकता लाई जा सके। ये सोच खाली धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं देख रहा हूँ इसको, मैं इसको एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, मैं इसको क्लीनलीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, एक फ्रेश एयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया पॉन्ड है, आज इस पॉन्ड को अगर आप खूबसूरत बना दो तो सोचो ये पूरा एरिया कितना खूबसूरत दिखेगा। मैंने भाई आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, आप एक आदर्श विधायक के तौर से इन चीज़ों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हमको अपने अपने प्रदेश को अपने अपने शहर को खूबसूरत बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बिना जबलपुर जो अब एक संस्कार धानी के रूप में जाना जाता है वो नाम फिर फजूल का है। आपको मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ पूरे शहर की तरफ से, और मैं जो इसमें योगदान मेरे तरफ से हो सकता है, आपको ऑलवेज पूरी लिबर्टी है, कभी भी मेरे से आप आके बात कर सकते हो। और हम सब ने मिलकर इस बात को ठाना है कि हनुमान ताल को ना सिर्फ स्वच्छ बनाएंगे बल्कि ऐसा दर्शनीय स्थल हम बनाना चाहते हैं, इसमें वो सब व्यवस्थाएँ करना चाहते हैं, या तो नागरिक यहाँ पर पूजन की सामग्री ना डालें, कचरा ना डालें, और अगर उसके बाद अगर नहीं हम इसको रोक पा रहे हैं तो 2% 5% जो और जो लोग नहीं मान रहे हैं उसके लिए एक अलग से पॉन्ड बनाएंगे जिसमें वो पूजन सामग्री डालें और उसको 48 घंटे के अंदर वो अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम से बाहर आ जाए, जिससे कि कम से कम गंदगी यहाँ बंद होगी। और मैं कोशिश करूँगा कि किसी एक गर्मी के पहले जब जनता इस बात की स्वीकृति देगी, इस हनुमान ताल को हम लोग आधा खाली करेंगे जिसकी व्यवस्था इसमें पहले से बनाई गई है, और उसमें कचरा और सिल्ट निकालने के बाद जब बरसात फिर से भरेगा तो आने वाले बरसों बरस तक फिर ये तालाब जो है बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल रहेगा। सफाई अभियान के दौरान तालाब के पानी में तैर रहे संपूर्ण कचरे को साफ किया गया और मोटर बोट नाव में बैठकर गोताखोरों के दल के साथ श्रमदान किया गया।